नमस्कार दोस्तों, बिलियन विद में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको धंधे को बड़ा करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है और कब जाना चाहिए। देखो, काफी सारे लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करते हैं, हमारे से कंसल्टिंग लेने आते हैं कि सर हमें बिजनेस को बड़ा करना है, रेस्टोरेंट बिजनेस होगा उसकी फ्रेंचाइजी देनी है, एजुकेशन बिजनेस की फ्रेंचाइजी देनी है, फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से बड़ा बिजनेस बनाना है। अब देखो, आप में से काफी सारे लोग इस गलत भ्रम में हो कि हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा, 1-2 लाख महीना, 50,000 महीना आ जाता है, किसी और को फ्रेंचाइजी चुपकाई, उसे 2-3 लाख की रॉयल्टी फ्री, ऐसे महीने में हर महीने बकरा पकड़ेंगे हम और हमारा धंधा चलता रहेगा। ये बहुत ही बड़ी गलत सोच है, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छे बिजनेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे सोचते हैं। देखो, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करूंगा, बट ट्रू फैक्ट ये है मार्केट का। आपको कुछ वेबसाइट्स के नाम पता होंगे डेफिनेटली, अगर आप फ्रेंचाइजी सर्च करेंगे ऑनलाइन जाके, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, आपको कोई छोटा सा मॉडल बना देंगे 10-20 हज़ार रुपए का और आपसे 2-3 लाख रुपए लीड जनरेशन की फीस ले लेंगे। फिर कहेंगे कि हम आपके लिए 1,000-2,000 लीड जनरेट करेंगे, उसको बैठ के कॉलिंग करवाएंगे और 100 फ्रेंचाइजी बिक गई और एक तो हमने 2 लाख रुपए रॉयल्टी ली तो आपके 2 करोड़ हो गए। वर्स्ट कैलकुलेशन है जो आपको दिखाई जाती है, आपको पूरा बेवकूफ बनाया जा रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। देखो, एक चीज समझो, फ्रेंचाइजी बिजनेस में तब जाना चाहिए जब मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा हो, प्रॉफिटेबल हो, स्केलेबल हो और मुझे पता है कि इस बिजनेस को दूसरी सिटी में मैं इजीली स्केल कर सकता हूं, प्रॉफिटेबल कर सकता हूं। अब अगर मैं आपसे मार्केटिंग की बात करूं तो ऑनलाइन आपने एमबीए चाय वाला की वीडियोस देखे होंगे, चाय सुट्टा बार वाले के पॉडकास्टिंग वीडियोस देखे होंगे, उनमें आपको कहा जाता है कि भैया बिना मार्केटिंग के आप बड़ा धंधा बना सकते हो, फ्री में कॉन्टेंट डालो। उनका कहना सही है, कॉन्टेंट फ्री होता है, बट जो वो लोग कंटेंट डालते हैं अपने लिंक्डइन पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब पर मार्केटिंग करते हैं बैठ के, उसके पीछे पर मार्केटिंग की टीम होती है, कंटेंट कैसा जाएगा, शूट कैसा होगा, कंटेंट की मार्केटिंग कैसे करनी है, नए कंटेंट शूट्स कैसे होंगे, टाइटल कैसे रखे जाएंगे, वीडियो को वायरल कैसे करना है, इसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो आप लोगों को लगता है फ्री फोकट हो जाता है, आप भी चालू कर देते हो, लेटर ऑन टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, पूरे बर्बाद हो जाते हो। रादर देन फोकस ऑन मेकिंग अ स्ट्रेटेजी, भाई मेरा कंटेंट क्यों चलेगा, और कंटेंट के लिए स्पेशल लोग कौन है जो हमारे धंधे पे बैठेंगे, मतलब जो आपके धंधे का कंटेंट है। जैसे आप चाय बेच रहे हो तो चाय रिलेटेड कंटेंट आप क्या बना सकते हो, आप एजुकेशन का तो उससे रिलेटेड कंटेंट आप क्या बना सकते हो, वो बहुत फोकस एरिया वाली बात है। तो तीसरी चीज होती है ब्रांड की एसओपी। एमबीए चाय वाला मार्केटिंग का नंबर 1, बट फ्लॉप इतनी जल्दी हो गया, क्यों, ब्रांड का एसओपी नहीं था। भैया अगर एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल अहमदाबाद में बैठ के अपना ठेला चला रहा है, अपना आउटलेट चला रहा है, इट विल बी द मोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल आउटलेट, बट वो दिल्ली में क्यों चलेगा, मुंबई में क्यों चलेगा। एक फ्रेंचाइजी ओनर या आपका बिजनेस पार्टनर दूसरे सिटी में रहकर उस आउटलेट को, उस ऑफिस को कैसे चला सकते हैं, वो ब्रांड की एसओपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, आप लोग प्रोडक्ट में दामी नहीं रखते हो। देखो, आज के टाइम में लोग पता है किसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, डोमिनोस हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, पिज्जा हट हो गया, डेकिन के एसी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस भी बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी देता है, जियो भी फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर है, आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत सारी फ्रेंचाइजी आती है। तो बड़े बड़े ग्रुप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बट लोग आपकी फ्रेंचाइजी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि भैया आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम नहीं है। सैमसंग का फोन 20,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच बिकता है, एप्पल भी 1.5 लाख तक के फोन बेचता है, इनके प्रोडक्ट्स हाईली डिमांड में रहते हैं, टेकिंग के ऐसे बिकते हैं मार्केट के अंदर, टाटा मोटर्स की कारें बिकती है, डोमिनोज पिज्जा इनके फूड आइटम्स बिकते हैं। आपकी फ्रेंचाइजी तब बिकेगी जब आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम होगा और आप लोग क्या पैसा बचाते हो, चवन्नी लाल बनना चाहते हो कि भैया ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट्स हो गया, आईपीएस में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इनोवेशन नहीं करेंगे, हम ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी भी नहीं जाएंगे, ऑनलाइन वीडियो डेफिनेटली देखेंगे, ब्लू ओशन बनाना है, हमने कुलचा डिस्कवर कर लिया। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लोग मेरे पास कंसल्टिंग लेने आते हैं, जब मैं उनके साथ बैठता हूँ ना, मैं उनसे बात करता हूँ कि भैया आपकी फ्रेंचाइजी अगला लेगा क्यों। सर मेरा कुलचा है ना बहुत इनोवेटिव है, ऐसा कुलचा आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली में ऐसे 1,000 कुलचे वाले बैठे हुए, अमृतसर के अंदर बैठे हुए। प्रैक्टिकली आपको चीजें बता रहा हूँ, सर मेरा बर्गर बहुत इनोवेटिव है, मेरा पिज्जा बहुत इनोवेटिव है, इनोवेशन नहीं होती है। एक चीज समझो, डोमिनोज भी अपना पिज्जा बर्गर नहीं दिखाता है, मैकडॉनल्ड्स अपनी स्पीड दिखाता है। आपको देखना पड़ेगा कस्टमर के पेन पॉइंट्स कहाँ पर है, उन चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर देखिए, मैकडॉनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, डोमिनोज हो गए, ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं। आज आप डोमिनोज का ब्रांड नेम कॉपी कर सकते हो नहीं, क्यों, डोमिनोज के पास उस चीज का ट्रेडमार्क है, नहीं कर सकते। मैकडॉनल्ड्स के पास उसका ट्रेडमार्क है, उनकी रेसिपी होगी, उनके मैनुअल्स हो गए, इवन स्टारबक्स के जो फूड आइटम्स होते हैं ना उसका भी ये लोग ट्रेडमार्क लेके रखते हैं। पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म आरओआई पता है, कि लॉन्ग टर्म में पैसा निकाल जाएंगे। अब एक चीज समझना जरूरी, चवन्नी लाल नहीं बनना आपको, आपको बनाना है बड़ा बिजनेस, फ्रेंचाइजी में जाना है, तो पहले अपना आउटलेट, सिंगल आउटलेट ऑटो पायलट करो, स्केल करो, बड़ा करो, प्रॉफिटेबल करो। नहीं पता कि स्केल कैसे होता है, ऑटोमेशन कैसे होता है, केपीआई कैसे सेट होते हैं, तो इस नंबर के ऊपर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करो, हमारी टीम से कनेक्ट हो, हम आपको मदद करेंगे, चाहे आपका रेस्टोरेंट बिजनेस हो या किसी भी इंडस्ट्री का बिजनेस हो, कि कैसे आउटलेट को प्रॉफिटेबल किया जाता है, ऑफिस को ऑटोमेट किया जाता है, केपीआई केआरएस कैसे डिपार्टमेंट वाइज बांटे जाते हैं और कैसे धंधे को बड़ा किया जाता है। और आप लोग ये सोचोगे ना कि भैया हम फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, बहुत इंडिया में कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, 100-100 करोड़ रुपए लोगों ने ऐसे ही कमा लिए, इधर फ्रेंचाइजी उधर चुपका 1 करोड़ की बेच, 50 लाख की बेच, 20-20 हज़ार रुपए की बेच बेचे जा रहे हैं, बट एंड रिजल्ट उनका कुछ भी नहीं है। फ्रेंचाइजी बेची उसके बाद काम खत्म, सामने वाला जाने उसका काम जाने, ऐसे बहुत फ्रॉड्स हैं, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। आप भी उस लिस्ट के अंदर मत जाओ, आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस बनाओ, जैसे अमेजॉन, उबर, पिज्जा, डोमिनोज, इन सब ने करा है। मैं चाहता हूँ इंडियन ब्रांड्स ऐसे बने
कि दुनिया में उनका नाम हो, दुनिया में केस स्टडी करी जाए कि भैया ये हिंदुस्तानी ब्रांड थी जिसे बहुत अच्छे से एक्सपेंशन करा, प्रॉफिटेबल रही और बहुत कम टाइम में ये लोग ग्लोबल चले गए। वो आप भी कर सकते हो, बस आपको अपने गल्ला सोचना है, गल्ला प्रॉफिटेबल कैसे होगा, एक स्मॉल आउटलेट मतलब एक ऑफिस ऑटोमेट कैसे होगा उस लोकेशन के ऊपर, तो आप दूसरा ऑफिस ऑटोमेट कर पाओगे, चला पाओगे, पैसे बना पाओगे लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन में अगर आप पैसा बनाने की सोच रहे हो कि फ्रेंचाइजी बेची पैसा बना लिया, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे। कोई ऑनलाइन आपको कह रहा है 2-3 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए एड्स में लीड जनरेट कर दूंगा, 2-3 हजार लीड्स लेगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी फ्रेंचाइजी भी कर दूंगा, टोटली वो आपके साथ एक गेम खेल रहा है, एक स्कैम गेम है कि भाई आपकी फ्रेंचाइजी बिक गई तो आपकी एड को अपना कमीशन लेकर निकल जाएगा, आप देखते रहना उसका तो पैसा बन गया, बट आपके लॉन्ग रन में वो नहीं सोचेगा। आपको लॉन्ग रन में सोचना जरूरी है। और मैं मेरी बात भी नहीं कर रहा कि आप मेरे से हमेशा सर्विसेज लो, हर चीज करो, बट मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि भैया प्रॉफिटेबल जाओ, लॉन्ग टर्म जाओ और कस्टमर के बारे में सोचो। कि भैया प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सोचो ना कि भैया बेचने में लगा हुआ, धंधे में मार्जिन नहीं, धंधे का कोई मॉडल नहीं है, वो गलत है। दूसरा लॉन्ग टर्म नहीं, आज फ्रेंचाइजी बेची अगले महीने दूसरी पकड़ूंगा, मेरे को मतलब नहीं है, वो भी बहुत गलत होता है। तीसरा, आपके कस्टमर्स के फीडबैक क्या है, कस्टमर के फीडबैक से आप कंपनी को बड़ा कर सकते हो, ना कि इन्वेस्टर के पैसों से या लोन के पैसों से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊं, आप लोगों तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद।